कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ड्रीम प्रोजेक्ट मुस्कान एक्सप्रेस की शुरुआत करवाई गई। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने की जिम्मेदारी यूनिसेफ को दी गई है। मुस्कान एक्सप्रेस मोबाइल वैन को कोविड टीकाकरण और साथ ही कोविड उपयुक्त व्यवहार का संदेश देने वाले वाहन की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत मनावरा में भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक ने कुमार ने की। साथ ही आपको बता दें कि उप जिलाधिकारी सत्यपाल सिंह, BDO दीपेंद्र पांडे के द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। साथ ही डॉक्टर अशोक कुमार के द्वारा उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि जन जागरूकता कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव है और जन समुदाय को कोविड-19 टीकाकरण के बारे में जागरूक करना है। मुस्कान एक्सप्रेस का मुख्य उद्देश्य कोरोना महामारी से जन समुदाय को बचाना और उन्हें टीकाकरण के लिए प्रेरित करना है, ताकि वो अपनों से मिल सकें और खुद को बचा सकें। जिस तरह से हमने पोलियो, मीजल्स और चिकन पॉक्स से निजात पाई है, वैसे ही हमें कोरोना से निजात पानी है और अपने को हमेशा मुस्कुराते हुए देखना है। कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच खुद को सुरक्षित रखें और समय समय पर हाथ धोएं, साथ ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें और कोविड-19 टीकाकरण के लिए भी समुदाय को प्रेरित किया गया। साथ ही कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण को संचालित लगभग आज 10 माह से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब भी पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं ने वैक्सीन की डोज बहुत ही कम लगवाई है, जिसके चलते उनको नियम पालन और टीकाकरण के प्रति जागरूक करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यूनिसेफ और अलायंस फॉर इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ ने सहयोग की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। साथ ही साथ महिलाओं और पुरुषों को कोविड-19 के टीके के प्रति जागरूक करने के लिए आज से गांव-गांव जाकर मुस्कान एक्सप्रेस यहां पर लोगों को जागरूक करेगी और मुस्कान एक्सप्रेस मोबाइल वैन के द्वारा लगातार लोगों को जागरूक करने का काम चलता रहेगा। ये जनमानस में जागरूकता पैदा करने के लिए गांव-गांव ये वाहन जाएगा, लोगों को जागरूक करेगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन के प्रति उनको जो भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करते हुए लोगों को प्रेरित करेंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाएं। अच्छा, अधिकतम समस्या यह रहती है कि वैक्सीन सेंटरों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं रहती, इसके लिए आप क्या कहेंगे? अभी आपको बता दें, इसके लिए हमारे यहाँ सोमवार में लगभग 4500 डोज हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पूरा प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीन लगवाएं। कितने जगह कैंप लगाया जाएगा लगभग? ये इसका प्लान आज तैयार हो रहा है और सोमवार में जैसे ही हमारा प्लान बन के तैयार हो जाएगा आपको अवगत करा दिया जाएगा। वैन के माध्यम से आज कहाँ कहाँ प्रचार किया जाएगा? ये रनगांव, मड़ावरा, तिसगना, ये वाली क्षेत्र में जाएंगे, उनका प्लान बना है। पर डे कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार